वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब अच्छा ना गाइस क्या होता है ना जब भी मैं मेकअप वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो मुझे ना कुछ क्वेश्चन बड़े ज्यादा कॉमन होते हैं जैसे कि दी जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ मेरा बेस मेकअप फटने लग जाता है ऑक्सीडाइज कर जाता है मेरा फाउंडेशन या फिर मेरा बेस मेकअप बड़ा ड्राई एंड पैची नजर आता है ज्यादा लंबे समय तक मेरे फेस के ऊपर फाउंडेशन टिकता नहीं है वट आर द रीजन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना चलो हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज ना सिर्फ सिंपल बेस मेकअप के बारे में बात करेंगे वो हैवी आई मेकअप के ऊपर हम तो जाएंगे ही नहीं ठीक है तो गाइस जब भी आप मेकअप करो ना तो वो अलग टॉपिक है रेगुलर बेसिस पे ना आप अपने स्किन केयर को ऑन पॉइंट रखो सबसे पहले तो मैं इसी को इंपॉर्टेंस देती हूँ राइट नो देख लो मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया जस्ट मेरी सिंपल बेयर फेस है स्किन केयर तक नहीं अभी मैंने की हुई स्किन केयर का मतलब की जो हम रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में दो बार स्क्रबिंग करते हैं हाँ जी इसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है आपके फेस के ऊपर बिल्डअप नहीं रहेगा आपकी स्किन एकदम क्लियर रहेगी क्लीन रहेगी डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे टैनिंग भी हट जाएगी आपके फेस से तो आपका आ, और हफ्ते में अपना दो तीन बार मास्क जरूर लगाया करो क्या प्रोडक्ट यूज करना है स्किन केयर के अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो ठीक है मास्क वगैरह अगर, अगर आप लगाओगे आपकी स्किन ब्राइटन रहेगी ग्लो करेगी और व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आपको नहीं होंगे ठीक है ये तो रही जो हमको वीकली रूटीन फॉलो करनी करनी है अब रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट टाइम रूटीन आप अपने स्किन केयर वाली एकदम सही रखो और जब आप मेकअप करते हो ना मेकअप आप अब देखो मैं डायरेक्टली अगर फाउंडेशन लगाऊंगी दिस इज माई बेयर फेस तो आप सोचो वो कितनी देर टिकेगा वो लगेगा ही नहीं ढंग से सबसे पहले तो आपने अपने स्किन को प्रेप करना है स्किन को प्रेप करने में ना बेसिक वाले जो तीन स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ एक तो होता है गाइज आपको प्रॉपर तरीके से अपने स्किन को प्रेप करना है लाइक मॉइस्चराइज हाइड्रेट करना है दूसरा स्टेप होता है प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कुछ लोग स्किप कर देते हैं प्राइमर को पता नहीं क्यों स्किप कर देते हैं जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन लगाना ठीक है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूं अगर आ, टोनर लगाने से स्टार्ट करते हैं टोनर क्यों लगाया स्किन को हाइड्रेट करेगा फ्रेश करेगा एंड आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा ये तो टोनर हमने लगा लिया इसको डैप कर लो ठीक है अब हम लगाएंगे गाइस सीरम सीरम आपने क्यों लगाना है ताकि आपकी स्किन के यू नो हाइड्रेशन मिले आपकी स्किन को मॉइस्चराइज हो जाए मैं गाइस यहाँ पे यूज करी पोपल का स्नेल इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम है बहुत अच्छा वाला सीरम है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना सीरम अप्लाई कर लेंगे ठीक है ताकि आपकी स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहे और गाइज आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे मैं यहाँ पे पर्पल का फ्रेश डुई मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है ये को मॉइस्चराइज करेगा ठीक है एंड लाइट वेट इसका टेक्सचर है तो अच्छी तरह से आपने देखा पहले आपने मेरा फेस देखा कितना रूखा सूखा सा डिहाइड्रेटेड सा नजर आ रहा है अब आप देख लो कितना एक हेल्दी ग्लो आ गया है मेरे फेस के ऊपर चलो स्किन प्रेप करना आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते डन अब गई बारी आती है प्राइमर लगाने की तो मैं ना पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला प्राइमर ये है पर्पल ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर आपने देखा होगा मुझे बहुत बार इसको यूज करते हुए इनफैक्ट आपने मेरी मोस्टली मेकअप वीडियोज में देखा होगा इस प्राइमर को यूज करते हुए क्योंकि मैंने इसकी दो बॉटल्स खाली कर दी है फिनिश कर दी है अब मैं पर्पल का ही प्राइमर आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूं अब थोड़ी सा वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि प्राइमर क्यों लगाना चाहिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल घर को जब हम दीवारों को पेंट करते हैं पेंट करते हो ना आप तो जो सीमेंटेड वॉल्स होते हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं होते हैं पोर्स तो उससे क्या होता है पहले आप प्राइमर लगाते हो ठीक है प्राइमर लगाओगे उसके बाद ही आप पेंट तक पहुंच दो एग्जैक्टली गाइज वैसे ही हमारा फेस है आप देखो यहाँ पे आपको पोर्स नजर आएंगे कैन यू सी स्किन के ऊपर टेक्सचर होता है अनिवेंस स्किन टोन होती है बिल्डअप होता है आ, मतलब स्किन के ऊपर ना सी स्किन होती है एकदम स्मूद नहीं होता तो ये जो पोर्स होते हैं ना गाइस इसको अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर फाउंडेशन लगा दूंगी ना तो ये इसके अंदर चला जाएगा तो जो हमारी स्किन के अंदर नेचुरल ऑयल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ फाउंडेशन मिक्स होगा एंड वो ऑक्सीडाइज करेगा ठीक है तो इस वजह से आपका मेकअप क्या होता है काला पड़ने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद या फटने लग जाता है या ऑयल के साथ मिक्स होता है तो वो फटाफटा -फटा सा आपको पैची पैची सा नजर आता है जब हम अप्लाई करते हैं प्राइमर तो प्राइमर क्या करता है ये जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर जाता है उसको फिल कर देता है और आपका जो बेस मेकअप है उसको एकदम स्मूद कर देता है जब वो स्मूद कर देता है ना बेस मेकअप को तो उसके बाद जब आप हाँ फाउंडेशन अप्लाई करते हो फाउंडेशन ऊपर ऊपर रहता है तो उससे क्या होता है एक लेयर बन जाती है आपकी स्किन से फाउंडेशन के बीच में क्लियर आ जाती है प्राइमर की उससे क्या होता है कि आपके जो नेचुरल ऑयल्स जो आपके फेस में से जो निकलते हैं ना वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं करते तो वो ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है न, आपका फाउंडेशन जो होता है लंबे समय तक टिका रहता है बहुत फ्लॉलेसा बेस नजर आता है ये तो गए बहुत कॉमन वाली चीजें जो मैंने आपको बताई ठीक है अब पर्पल का प्राइमर मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँ क्योंकि ना इस मार्केट में ना बड़े सारे प्राइमर है कोई कहता है ऑयली स्किन वालों के लिए कोई कहता है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए कोई कहता है ड्राई स्किन वालों के लिए तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये जो पर्पल का प्राइमर है ना आपको हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा चलो जी अब डिटेल में देखते हैं आपको मैं आज क्या करने वाली हूँ ना थोड़ा सा जब मैं अप्लाई करूंगी ना विल डू हाफ एंड हाफ एक तरफ प्राइमर लगाएंगे और फाउंडेशन लगाएंगे एक तरफ प्राइमर नहीं लगाएंगे एंड फाउंडेशन लगा देंगे डायरेक्टली तो देखते हैं कि आपको क्या डिफरेंस एट द एंड नजर आता है ठीक है चलो पर्पल ट्रू ज्वेल 24 फोर कैरेट गोल्ड प्राइमर कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको वाला प्रोडक्ट रिसीव होगा एंड अंदर से अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो इट लुक सो ब्यूटिफुल लग्जूरियस एंड प्रीमियम लुकिंग फेस प्राइमर है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल ये वाला प्रोडक्ट है अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स इसके अंदर है विथ रियल हंड्रेड परसेंट गोल्ड फ्लेक्स जो आपको एकदम ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लो प्रोवाइड करेगा राइट नाउ गाइस मेरे फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है जस्ट मैंने अभी अपनी स्किन केयर की है तो कैन यू सी पोर्स आपको फेस के ऊपर पोर्स नजर आ जाएंगे अनइवन स्किन टोन नजर आ जाएगी अन स्किन का टेक्सचर नजर आएगा तो मैं क्या करने वाली हूँ ना गाइस हाफ फ़ेस के ऊपर ना मैं ये वाला प्राइमर लूँगी थोड़ा सा प्राइमर लूँगी क्योंकि हमने सिर्फ अभी हाफ़ फ़ेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है एंड आप इसको इवनली डॉट 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 करके स्प्रेड कर लो आप इसको अपनी आईज के ऊपर भी अप्लाई करो क्योंकि जब हम आईज के ऊपर आई शेडो वगैरह लगाते हैं ना तो वहां पर आपको प्राइमर भी पहले ज़रूर लगाना चाहिए एंड उसके बाद जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी ना गाइस ये बहुत ब्यूटिफुली ब्लेंड होता है पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है तो ये मेरे एकदम पोर्स को अच्छी तरह से फिल कर देता है जिससे मेरी स्किन एकदम स्मूद हो जाती है और मैट फिनिश ये वाला प्राइमर है अगर इसमें मैं वाओ wow फैक्टर की बात करूँ ना गाइस तो ये जो गोल्ड पार्टिकल्स है ना इसके अंदर जो गोल्डन ग्लो प्रोवाइड करते हैं ये इसका एक वाओ wow फैक्टर है चलो ए, एक तरफ ना मैंने अपने आ, प्राइमर को अप्लाई कर लिए अब आप ध्यान से देखो आपको पोर्स नजर नहीं आएंगे आ, एकदम ब्लर सा इफेक्ट हो जाता है फेस के ऊपर एंड लुक एट ऑन द अदर साइड ऑफ माय फेस यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से पोर्स विजिबल होंगे जहां पे मैं अभी मैं फिंगर्स के साथ आपको पॉइंट कर रही हूँ आपको मेरी लाफिंग लाइन्स जो होती है ना वो भी आपको नजर आएंगी हाँ जी प्राइमर लगाने से जो आपकी लाइन्स होती है ना वो भी ब्लर हो जाती हैं एकदम स्मूथ हो जाती हैं तो प्राइमर लगाने का एक और बेनिफिट होता है एंड आई एरिया के पास जो लाइन्स ना गाइज वो भी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है तो इसलिए हम प्राइमर को अप्लाई करते हैं चलो अब जिस साइड मैंने अपना प्राइमर अप्लाई किया था ना उसी साइड में आपको ना फाउंडेशन ब्लेंड करके दिखाती हूँ एक तो आपका फाउंडेशन बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड होगा और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा ठीक है एंड क्योंकि हमारी जो स्किन का जो टेक्सचर है ना वो एकदम स्मूथ हो चुका है एंड आपको बहुत फ्लॉलेस uh, लुक मिलेगा और ये जो फाउंडेशन है ना आपका क्रैक नहीं करेगा आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगा तो जब uh, आप इसको कॉम्पैक्ट के साथ सेट करोगे ना आपको आपका बेस एकदम स्मूद टेक्स्चर नज़र आएगा तो ये देखो जब मैंने इसको फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया कितना अच्छा लुक आया है एंड आप देखो जो मैंने पहले प्राइमर लगाया था ना उसकी वजह से जब मैंने फाउंडेशन लगाया तो मेरी ये जो लाफिंग लाइंस है ना उसके अंदर फाउंडेशन डिग नहीं किया आ, अच्छा चलो मैं दूसरे साइड आपको ना फॉर एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ मैंने जहाँ पे प्राइमर नहीं अप्लाई किया था अब मैं वहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ पहली बात तो अच्छे से ब्लेंड नहीं करता आई डोंट नो वेरी बड़ा क्रैक सा लगता है जैसे फटाफटा -फटा सा नहीं होता बिल्कुल वैसा नज़र आता है एंड लेट मी शो यू वन थिंग आईज के ऊपर आपने देखा इसने क्रीज़ करना शुरू कर दिया है ऑन द अदर हैंड जहाँ पर मैंने प्राइमर अप्लाई किया था वहाँ पर आइज़ के ऊपर इसने क्रीज़ नहीं किया एंड फाइन लाइन्स में जाके ना फाउंडेशन डिपॉजिट नहीं करता क्योंकि जो प्राइमर की जो लाइन होती है ना वो उसको एक बीच में ना एक शील्ड का काम करती है एंड जो लाफिंग लाइन होती है आप देख लो मेरे इस तरफ जहां पे मैंने प्राइमर नहीं लगाया था कैसे मेरा फाउंडेशन लाफिंग लाइन्स के अंदर जाके एकदम डिग कर रहा है और एकदम विजिबल सा नजर आ रहा है और मेरे पोर्स के अंदर भी जाके फाउंडेशन बैठ चुका है इसलिए आपको प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कैन यू सी यहाँ पे आपको पोर्स एकदम नजर आ रहे होंगे अगर मैं थोड़ा सा स्माइल करूंगी तो मेरे स्माइल लाइंस के अंदर भी फाउंडेशन आपको नजर आएगा चलो अब मैं आपको ना अपने बेस को ना सेट करके दिखाती हूँ दोनों तरफ कॉम्पैक्ट के साथ मैं अपने पूरे बेस को सेट कर लूंगी अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई जब मैंने प्राइमर लगाया था ना प्राइमर लगाने के एक मिनट के बाद आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना ताकि आपका प्राइमर अच्छी तरह से आपके फेस के ऊपर सेट हो जाए And ये जो पर्पल का प्राइमर है ना गाइस ये स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है लॉन्ग लास्टिंग बना देता है आपके फाउंडेशन को एंड गाइस ये जो गोल्ड पार्टिकल्स है ना इसके अंदर ये डीले करते हैं प्री मिच्योर साइंस ऑफ एजिंग और इंक्रीज करते हैं कोलाजन प्रोडक्शन को जिससे फाइन लाइंस एंड कम होती हैं और ये इनहेंस करेगा आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी तो आपने देखा मैंने अपने बेस को सेट कर लिया है लेकिन जिस तरफ मैंने प्राइमर नहीं लगाया था वहां पर मुझे अभी से ही ना फाइन लाइन्स एंड ये सब कुछ दिखना शुरू हो चुका है मतलब यू नो मेरी जितने भी लाइन्स है उसके ऊपर ये डिपॉजिट होने लग जाता है फाउंडेशन तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप पहले प्राइमर लगाया करो उसके बाद आप अपना फाउंडेशन लगाया करो एंड ये पर्पल का जो प्राइमर है मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूँ क्योंकि एकदम अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है ना एट जस्ट गोल्ड की वजह से और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी बना के रखता है तो चलो जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चिल दें बाय बाय लव यू प्रोडक्ट के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय